بسم الله الرحمن الرحيم ألف وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. رب أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سولما پارا سورة طه آيات مباركة 53 اور اس کے بعد. پہلی آیت کریمہ آیت شریفہ نمبر 53 اس کے الفاظ کے معنی. الذی وہ ذات جعل لکم انہوں نے بنایا تمہارے لیے الارض زمین کو مہدا بچھونا اللہ اکبر وصلق لکم اور بنائے اور چلائے تمہارے لیے فیہا اس میں یعنی زمین میں سبلا سبیل کی جمع سبل معنی راستے وانزل اور اتارا اگر نازلہ ہو تو معنی اترنا نازلہ اترا انزل اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی فأخرجنا به سو ہم نے نکالا اس کے ساتھ یعنی پانی کے ساتھ ازواجن جوڑے زوج کی جمع ازواج بیوی کو زوج کہتے ہیں اور خاوند کو بھی زوج کہتے ہیں کہ وہ دونوں اللہ پاک نے ایک دوسرے کے لیے جوڑا بنایا ہے من نبات نباتات شتا مختلف. آیت کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ وہ ذات جنہوں نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس زمین میں راستے بنائے راستے چلائے اور اتارا انہوں نے آسمان سے پانی سو اس کے ساتھ یعنی اس پانی کے ساتھ مختلف قسم کی نباتات کے جوڑے اگائے سو اس کے ساتھ مختلف قسم کی نباتات کے جوڑے نکالے. یہ کلام کس کی ہے؟ اس بارے میں دو اقوال پڑھنے میں اللہ کی توفیق سے آئے ہیں. ایک یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے دعوت حق دے رہے ہیں. تو پہلے بھی بات یہی چل رہی ہے، یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہی اور اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو اپنے کلام شریف میں نقل فرمایا. یہاں یہ بات سوال ہے، فَأَخْرَجْنَا بِهِ سو ہم نے نکالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے نہیں نکالا، تو اللہ پاک نے اس جملے کو اپنے الفاظ میں بیان فرمایا. اس آیت کریمہ میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اللہ کریم کی چار نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے. حضرات و خواتین، یہ بات بار بار کہنے اور یاد کرنے کی ہے، انسان کو انسان بنانے کے لیے، اللہ کی غلامی میں لانے اور پختہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بہت زیادہ یاد کرنا چاہیے.
जितना ज्यादा याद करेंगे इंशाअल्लाह रहमान उम्मीद है उसका दिल पे असर होगा और सर उनके सामने झुकेगा। आम कायदा है, अरबी में एक मुहावरा है, अल इंसान अब्दुन लिल एहसान, इंसान जो है एहसान का गुलाम है। सारे आदमी एहसान के जवाब में एक जैसे नहीं है, बहुत बड़े ही ज्यादा, लेकिन एहसान का, एहसान के जिक्र करने का और याद करने का, तस्करा करने का असर होने की अल्लाह के फजल करम से बहुत से लोगों में उम्मीद होती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने चार एहसानात अल्लाह पाक के फिरौन के सामने पेश किए। आइए एक एक करके सुनते हैं कि उन्होंने जमीन को बछौना बनाया कि फिरौन जो रब आला होने का दावा करता था, जमीन की पैदाश उसके आने के बाद हुई या पहले हुई? तो रब आला किस चीज का हुआ? रब आला वो है जिसने जमीन को बनाया। कुरान करीम में अल्लाह पाक की इस नेमत का जिक्र और जगहों में भी है, सिर्फ एक जगह मेरे साथ देख लीजिए, 30वां पारा पहली सूरत अन्नबा, आयत शरीफा नंबर 6, अलम नजअलिल अर्ض मिहादा, क्या हमने जमीन को बछौना नहीं बनाया? कोई है जो जमीन के बछौना बनाने में शिरकत का दावेदार हो सके? कौन? आइए अगली नेमत शरीफा की तरफ, वसलका लकुम फीहा सुबुला, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जमीन में रास्ते चलाए। अगर जमीन में अल्लाह की तरफ से रास्ते न होते तो इंसान अपनी जगह पर पड़ा पड़ा गल सड़ जाता। जरूरियात फैली हुई है, उनके पूरा करने के लिए जाने की जरूरत है, तो जाएगा कैसे जब रास्ते होंगे? अल्लाह ताला ने इस नेमत का भी जिक्र दीगर जगहों में किया है, मेरे साथ 25वां पारा सूरह अज़्ज़ुख़रुफ़ आयत शरीफा 10 देखिए, الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون। वो जात उन्होंने तुम्हारे लिए जमीन को बछौना बनाया। हजरात ख्वातीन, अल्लाह के लिए मैं आप अपना जायजा लें, कभी हमने इस नेमत पर गौर किया है? एक मकान की, एक मकान की जमीन अगर नाहमवार हो, उसको सीधा करना पड़ जाए, एक मुस्तकिल मसला है। अल्लाह पाक ने सारी जमीन को हमवार, जमीन को बछौना बना दिया। कोई है ऐसा जो जमीन का मोहताज ना हो? किसने दिए? हमारी कैफियत ये है, 25-40 का प्लॉट लेने की एक बड़ी तादाद सारी जिंदगी तरसते तरसते मर जाती है, ऐसे कि नहीं? और अल्लाह पाक ने क्या किया? सारी जमीन को बछौना बना दिया। और क्या किया? वजअला लकुम फीहा सुबुला, और तुम्हारे लिए उसमें रास्ते बनाए। मेरे ख्याल में, शायद ठीक हो सकता है गलत भी हो,
आदमी कहीं सफर में नई जगह में रास्ता भूल जाए तो फिर पता चलता है कि रास्ते की अहमियत क्या है। एक एक नेमत। और मेरे साथ इस बात पर गौर कीजिए, अल्लाह ने जो ताज नबूवत मूसा अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पर रखा वो मामूली शख्सियत न थी। कैसे जोरदार खामोश करवाने वाले, जिनका तोड़ नहीं वो दलाल पेश करें। अब इसका जवाब फिरौन क्या देगा? रब्बुकुमुल आला तो कर लिया कि बच्चे इजबा कर रहा हूं मैं, कि जिसको चाहता हूं कैद में डाल देता हूं। इन बातों में कोई शिरकत का दावा कर सकता है? लअल्लकुम तहतदून, कि अल्लाह पाक ने नेमतें तुम पर क्यों की? ताकि तुम हदायत पा जाओ। आइए सबक की तरफ। तीसरी नेमत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की यह जिक्र फरमाई, وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, और उन्होंने आसमान से पानी को नाजिल किया। कोई है जो ये काम कर सके? साइंस कहां तक पहुंच चुकी है? चांद पर पहुंचने का दावा है, और क्या कुछ है? बारिश के मोहताज हैं या बेनियाज हो चुके? अमीर तरीन मुल्कों में जो देखा गया है, जो मुसलमान हैं, सलातुल इस्तिस्का बड़े एहतमाम से होती है। अगर इंसानी बिसात में बारिश से बेनियाज होना होता तो जहां और सोने की रियालों की और क्या कुछ की रेल फेल है, वहां कभी भी सलातुल इस्तिस्का न पड़ते। आइए सूरह ज़ुख़रुफ़ की तरफ। वल्लज़ी नज़्ज़ल बिही, आयत शरीफा नंबर 11। वल्लज़ी नज़्ज़ल मिनस समाई माअ, वो ज़ात उन्होंने आसमान से पानी को नाज़िल किया, बेकदर अंदाजे के मुताबिक। ये नहीं कि टूटी खुल गई या पता ही ना हो, नहीं, अल्लाह पाक जो फरमाते हैं खास अंदाजे से, उससे तबाही मचानी है या सरसब्दो शादाबी लानी है, जैसे उनका इरादा है वैसे ही पानी खुलता है। और इस पानी के क्या क्या फायदे हैं? उनमें से एक फायदा, فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا, तो हमने उस पानी के साथ मुर्दा शहर को उठा दिया। जमीन की जिंदगी और जमीन के साथ जमीन पर बसने वालों की जिंदगी पानी से है, और पानी के हुसूल का एक बेहतरीन जरिया आसमान से अल्लाह की नाज़िल करदा बारिश है। और इसमें एक और बात, इसी पानी के नाज़िल फरमाने और पानी के नाज़िल करने से मुर्दा जमीन को जिंदा करने में, كذلك تخرجون, لا إله إلا الله, जो अल्लाह जमीन को मुर्दा होने के बाद जिंदगी दे सकते हैं, इंसान को जिंदा नहीं कर सकते। जमीन का जिंदा करना आसान है या इंसान का जिंदा करना उसके मुकाबले में आसान है? और उनके लिए हर चीज आसान है। कज़ालिका तुख़रजून, जिस तरह हमने मुर्दा जमीन को जिंदा फरमाया, इसी तरह तुम निकाले जाओ। चौथी नेमत, وَرْأَوْا أَنْعَامَكُمْ, अल्फाज के मानी पहले सुन लीजिए। कुलू, तुम खाओ,
वरऊ और चराओ अनआमकुम अपने चौपायों को अपने मवेशियों को, ये चौथी तुम खाओ और अपने मवेशियों को चरवाओ, इन नफी दालिक यकीनन उसमें अलबत्ता निशानियां हैं उलिन्नुहा अकल वालों के लिए। नुहा नुहया इसकी जमा है, नुहया और नुहया नहा यन्हा से बना है, किससे बना है, नहा यन्हा और नहा का माना रोकना, अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। तो अकल को अकल क्यों कहते हैं कि ये इंसान को अल्लाह की नाफरमानी से बुरे कामों से रोकती है। अल्लाह न करे अगर किसी की अकल उसका ये असर न निकले, बुरे कामों से न रोके, तो उसमें अकल है ये खाली है। और इसीलिए उनसे फरमाया अल्लाह ने ये चौपाओं की तरह हैं बल्कि उनसे भी बुरे हैं। यकीनन उसमें निशानी है, यकीनन उसमें निशानियां हैं, निशानी नहीं निशानियां हैं, आयतों की जमा आयात। यकीनन उसमें आयात यकीनन निशानियां हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछने लगा हूं, अपने आप से भी, मुझे जवाब नहीं देना लेकिन मैं आप जरूर अपना जायजा, क्या मैं आप अल्लाह पाक की इन चार अजीम नेमतों का तज़किरा करते हैं? अपनी फैमिली के साथ क्या कुछ बातें होती हैं, मशरिक़ व मग़रिब की कहानियां सुनते सुनाते और लोगों के बारे में क्या कुछ तबसरे करते हैं, जो हो चुका अल्लाह मुआफ कर दे। मेरे ख्याल में तवज्जो फरमाइए, हमारे घरों में बेदीनी आने के असबाब में से एक ये है कि अल्लाह की नेमतों का जिक्र बहुत कम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, खूब करते हैं, मजीद चाहते हैं, लेकिन शुक्र के लिए उनका तज़किरा करना अल्लाह करे हो है। मेरे ख्याल में आइए अज़म करें अपने घरेलू अपनी घरेलू गुफ्तगू में अल्लाह की नेमतों का जिक्र करें। अहमद जी बात वाज़ेह, मूसा अलैहिस्सलाम जो इन चार नेमतों का जिक्र कर रहे हैं ये इंतिखाब है मूसा का, कलीमुल्लाह का अलैहिस्सलाम, तो इंतखाब शानदार होगा या रद्दी होगा, हम भी इस इंतखाब को अपने लिए इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह मेरी आपकी और हमारे कुंभों की खैर हो। इस चौथी नेमत का जिक्र देखिए मेरे साथ सूरह सजदा 21वां पारा आयत शरीफा 27। अवलम यरौ अन्ना नसूकुल मा इलल अर्ज़िल जुरुस फनुख्रिजु बिही ज़रअ ताकुलु मिन्हु अनआमुहुम وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ। वक्त हो चुका है इंशाअल्लाह इसी मुकाम से अल्लाह की तौफीक से आइंदा गुफ्तगू का आगाज होगा। अल्लाह ताला अपने फजल व करम से कहने सुनने की गलती को मुआफ़ फरमाए। आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही वअला आलिही वअस्हाबिही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, ये डॉक्टर फजल इलाही साहब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।